लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए अब बात नेताजी की करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए मनोकामना क्या मांगी कि इस पर हाई पिच पॉलिटिक्स शुरू हो गई। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में तो मुलायम के बयान वाले बड़े बड़े धन्यवादी बैनर पोस्टर तक तान दिए गए। हालात अब कुछ ऐसे हो गए हैं कि बीजेपी नेताजी के इस बयान को भुनाने में जुटी है, तो मुलायम के साथ ही इससे कुछ असहज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के पुराने सरमायेदार मुलायम सिंह यादव के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में बवंडर सा खड़ा कर दिया है। मुलायम का बयान था ही कुछ ऐसा जिसने विरोधी दलों के साथियों को हक्का बक्का कर डाला। हालांकि वो तो बयान देकर चलते बने, मीडिया के सामने तो प्रकट ही नहीं हुए और पीछे से उनके पुराने साथियों को बचाव में उतरना पड़ा, जिन्हें ये कहना पड़ा कि मुलायम साहब का मतलब ये नहीं वो था। खैर, मतलब जो भी रहा हो, लेकिन असल खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। रातों रात उत्तर प्रदेश के हाईवेज पर बड़े बड़े बैनर तान दिए गए, जिसमें मुलायम के उस बयान पर न सिर्फ आभार जताया गया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की कामना कर डाली थी, बल्कि पोस्टर में बयान देते वक्त की उनकी तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा गया था। सीजन चुनावी है, लिहाजा उनके इस बयान को यूपी में बीजेपी के नेता भरपूर ढंग से बुनाने की कोशिश में जुट गए। मुलायम के बयान ने उनके साथियों को भी असहज कर दिया है जो हाल फिलहाल समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आजम खां को तो इस पर कुछ कहते नहीं बना, तो उन्होंने यही कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि बयान उन्होंने दिया नहीं, उनके मुंह में डाला गया है। बहुत दुख हुआ है सुनकर। सारी जिंदगी मुलायम सिंह जी के साथ फैशिज्म के खिलाफ लड़ते हुए ही यहाँ तक पहुँचे हैं। बस हम सिर्फ इतना कहेंगे, किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता की रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। और ये भी कहना चाहेंगे कि ये बयान उनके मुंह में डाला गया है, ये मुलायम सिंह जी का बयान नहीं है, ये बयान दिलवाया गया है। खैर, आसम साहब की ये दलील समझ से ही परे लग रही है, क्योंकि बयान का जो पीड़ा वो मुलायम साहब के मुंह में भरे जाने की बात कह रहे हैं, उसकी तथ्यात्मकता ना उनके पास है और ना ही खुद ये बयान देने वाले मुलायम किसी तरह की साफ सफाई के लिए मीडिया के सामने आए। हालांकि ऐसे मौकों पर अपनी बयानी हाजिरी दर्ज कराने के लिए मशहूर है अमर सिंह, जरूर इस मामले में भी डुबकी लगा गए। अमर सिंह ने बड़े चुटकीले अंदाज में कहा कि मुलायम सिंह यादव का यह बयान भ्रम पैदा करने के लिए है। चंद्रकला और राम रमन जिन्होंने मुलायम और मायावती दोनों के मार्गदर्शन में नोएडा को लूटा और बच गए, वो चाहते हैं कि पीएम इस मामले में शांत बने रहे। राजनीतिक गलियारों में मुलायम के बयान पर जो सुगबुहाट दबी जुबान से जारी थी, वो बातें अमर सिंह बाबुलंद कह गए। खैर, राजनीति में डिप्लोमेटिक डिफेंस करने की अदा में मुलायम सिंह माहिर माने ही जाते हैं। उन्हें राजनीति में यूं ही नेताजी के नाम से नहीं पुकारा जाता। शायद प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी मनोकामना दूसरे लहजे में उनके खिलाफ कार्रवाई न करने का आभार रहा होगा। वरना एक जमाने में कार सेवकों पर तनादन गोलियां चलवाने वाले और उस पर भी कोई पछतावा न होने की बात कहने वाले मुलायम कहीं किसी के आगे झुकने वाले। बयान वो दे चुके हैं, मोदी के फिर से पीएम बनने की प्रार्थना कर चुके हैं। अब चाहे पोस्टर तने या उनके बयानों को बीजेपी के दूसरे नेता भुनाने की कोशिश करें, वो उससे बेपरवाह है। वैसे कुछ पॉलिटिकल पंडित तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो बेटे टीपू यानी अखिलेश भैया के बसपा से हाथ मिलाने से भी नाराज चल रहे थे। लिहाजा वैसी अनवांटेड जुगलबंदी को झटका देने के लिए उन्होंने अपने अंदाज में पीएम का आभार जता डाला, यानी सपा बसपा जुगलबंदी को झटका और पीएम को इनडायरेक्ट वाला आभार, यानी बयान एक निशाने दो। क्या कहने नेताजी के। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।